जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज नई दिल्ली में आयोजित भारत और जर्मनी के बीच सातवां अंतर सरकारी परामर्श में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। गुरुवार को स्कोल्ज ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट किया। जर्मनी के चांसलर ने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत और जर्मनी के बीच मजबूत होते रिश्ते की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच जिस तरह से सहयोग बढ़ा है वह गहरी होती दोस्ती का परिचायक है। 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ यहाँ सीईओ फोरम की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ हम दोनों की नौसेना एक साथ अभ्यास कर रही है। जर्मनी नौसेना के जहाज गोवा के एक बंदरगाह पर हैं। पीएम ने कहा कि भारत और जर्मनी की दोस्ती हर मोर्चे और हर कदम को मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनना मेक इन इंडिया तथा मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में शामिल होने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने भारत के कुशल कार्यबल में जो विश्वास व्यक्त किया है वह अद्भुत है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का निर्णय लिया है। मेरे मित्र चांसलर सोच चौथी बार भारत आए हैं, पहले मेयर के रूप में और तीन बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं।